सूबे के सियासी संग्राम और तेजी से फैल रही महामारी में जब सारे नेता बयानबाजी और जोर तोड़ की राजनीति में उलझे हैं, तब प्रदेश के सांसद आपदा को अवसर में बदलकर संसदीय क्षेत्र की हर इकाई के कार्यकर्ता तक पहुंचने के मिशन में जुटे हैं। कैसे, यह रिपोर्ट देखिए। देश लॉकडाउन से अनलॉक होने की प्रक्रिया में है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री के बाद चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने गांठ बांध ली। देश नेचर कंजर्वेशन डे मना रहा है, लेकिन सीपी जोशी इसे अलग ही ऊंचाई पर पहुंचाने के मिशन में है। एसआरएम ग्रुप के भामाशाह रतन सिंह झाला और हिम्मत सिंह झाला के साथ मिलकर क्षेत्र में 6.25 लाख पौधे रोपने का महाअभियान उन्होंने शुरू किया है। लोगों का जुड़ाव इतना हो रहा है कि लोग आगे चलकर, और स्कूल्स में तो क्लास वाइज लोग, बच्चे भी और स्कूल स्टाफ भी ये कह रहा है कि ये अर्थ के बच्चे और हम लोग इसको संभाल लेंगे, इन पौधों में 9th के बच्चे और हम लोग संभाल लेंगे। ऐसे लोगों में एक उत्साह का वातावरण बना है। आपदा में ही सही, लेकिन अगर राजनेता अवसर ढूंढे और उसमें राजनीति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए पौधों को पानी देने के साथ सांसद जोशी अपनी पॉलिटिकल प्रसिद्धि के पैरामीटर्स भी चेक कर रहे हैं। पूरी लोकसभा क्षेत्र के गाँव में इस कार्यक्रम के दौरान जितने पौधे रोपने का संकल्प लिया गया है, उनकी संख्या भी ठीक उतनी ही है जितने वोटों के अंतर से सीपी जोशी ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। हरित परिसर अभियान एक पूरे लोकसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में हमने शुरू किया है। हमारी जो एक चित्तौड़ सेवा संस्थान बनाई है, उसमें हम सब लोगों ने तय किया कि चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र में 5,76,000 के अंतर से लोगों ने आशीर्वाद देकर जिताया है, तो कम से कम इतने पौधे 5 वर्ष में लगाए, और इस वर्ष में हमने लगभग 1 लाख से ज्यादा पौधे का लक्ष्य रखा। भाई देश